मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह, चैनल सिंप्लीकैड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे लाइन कमांड के बारे में। आइए शुरू करते हैं। एक लाइन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिनको हम मान लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और उन दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए होती है। डिस्टेंस को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमें जो दो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं उनकी हमें कोऑर्डिनेट वैल्यू चाहिए, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट वैल्यू और पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट वैल्यू। उन कोऑर्डिनेट वैल्यू से हम एक लाइन जो लगाते हैं, कोऑर्डिनेट वैल्यू का डिफरेंस होता है बेसिकली। अब आप देखिए, यहाँ पर पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट वैल्यू है 2000 2000, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट वैल्यू है 4000 2000। एक्स की वैल्यू में 2000 का डिफरेंस है, इसका मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2000 है। वाई की वैल्यू बराबर है, इसलिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अगर इसका उल्टा होता तो ये लाइन वर्टिकल होती। तो लाइन लगाते हैं हम। ये मैंने लाइन लगाई, ये ए से बी के बीच की जो लाइन है ये 2000 की है। इसको अब हम लगाते कोऑर्डिनेट वैल्यूज देकर। कोऑर्डिनेट वैल्यू देने के लिए अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम लाइन कमांड जो लेंगे, लाइन कमांड लेने के लिए कमांड विंडो में आ जाते हैं हम। मैं टाइप करता हूँ लाइन के लिए एल। जैसे ही मैंने एल टाइप किया, आप देखिए एल से शुरू होने वाली कमांड्स इसके अंदर उसकी लिस्ट आ गई है। तो सबसे ऊपर इसमें लाइन है, क्योंकि सिंगल लेटर एल से कमांड शुरू होती है लाइन, शॉर्टकट है ये इसका। तो कमांड के बाहर जो लिखा है ये एल, ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट जो होता है वो कमांड का फर्स्ट लेटर होता है या कम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है। जैसे क्विक लीडर में आप देखिए एल ई, लाइन टाइप स्केल एल टी एस, तो इस तरह से ये इसमें सजेशन देता है। अभी हमें ज़्यादा कमांड्स में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, या एक इसमें हम इसको ऑफ कर देंगे ऑटो कम्प्लीट को। लेकिन फिलहाल अब देखिए, आप यहाँ से इसको लाइन कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब मैं पहला काम ये करता हूँ कि इसमें जा कर के इनपुट सेटिंग्स में ऑटो कम्प्लीट को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा डायनेमिक इनपुट को थोड़ी देर के लिए हम ऑफ कर देते हैं। अब लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया, और सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट नहीं कहता, ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट या अंडू। अंडू मतलब अगर मैं इस कमांड को अंडू करना चाहता हूँ, मैंने ये पॉइंट गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ से अंडू कर सकता हूँ। अंडू करने पर भी देखिए, मैंने इसको अंडू किया, यू एंटर, लेकिन मैं अभी लाइन कमांड में ही हूँ। तो मैंने फिर से लाइन कमांड में मैंने फर्स्ट पॉइंट सेट कर लिया, और इसमें फिर अंडू लिखा आ रहा है। अंडू में आप देखिए ये यू लेटर ब्लू कलर में है, तो जो ब्लू कलर में होता है ऑप्शन के लेटर्स का शॉर्टकट होता है। मैंने इसको यहाँ पर यू टाइप करके इसको अंडू किया था, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके भी अंडू कर सकता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है मुझसे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने, अब ये फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू। अगर मैं अंडू करता हूँ तो मैं फिर पॉइंट ए पर आ जाऊँगा। अगर मुझे और लाइन लगानी है तो मैं इसको एंटर कर दूँगा। एंटर करने पर कमांड टर्मिनेट हो गई, लाइन कमांड पूरी हो गई। मैंने इसको एंटर कर दिया, कर्सर मेरा फ्री हो गया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, ये लाइन डिलीट हो गई। अभी तो मैंने दो पॉइंट्स पिक करके इस लाइन को ड्रॉ किया है। अब मैं इनकी कोऑर्डिनेट वैल्यू दे करके इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ। मैं फिर से लाइन कमांड लेता हूँ। लाइन कमांड लेने के लिए मैं लाइन में जा सकता हूँ, ये जो हमारे टूल बार्स हैं, टूल बार से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन। फर्स्ट पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट वैल्यू देता हूँ 2000, 2000। देखिए लाइन उस पॉइंट से शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की भी मैं कोऑर्डिनेट वैल्यू देता हूँ 4000, 2000, एंटर। ये लाइन पॉइंट ए से बी तक एक लाइन लग गई है। इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू जो ये लिखी है वही है। अब मैं इस लाइन को फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैंने फिर से लाइन कमांड ली एल एंटर, इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं इस डायरेक्शन में आया, डायरेक्शन देके मैंने कर्सर से डायरेक्शन दी है। डायरेक्शन देने के बाद मैं यहाँ टाइप करूँगा 2000 और एंटर। तो इस तरह से हम एक सर्टेन लेंथ की लाइन और सर्टेन डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगा रहे हैं, लेकिन एंगल पर अगर हमें लाइन लगानी है 2000 यूनिट्स की, और यहाँ से हमें 45 डिग्री का एंगल देना है। देखिए मैंने लाइन कमांड ली, लाइन कमांड मैंने ए पॉइंट पिक किया। अब मुझे 2000 यूनिट्स की 45 डिग्री पर लाइन लगानी है, तो उसके लिए इस पॉइंट से, पॉइंट ए के रेफरेंस से यहाँ से मुझे लाइन लगानी है। लाइन की लेंथ शिफ्ट एट द रेट ऑफ 2000, और एंगल के लिए हम एम के बराबर में एक साइन होता है ये,
कीबोर्ड में लेस देन और यहाँ एंगल 45 ये हम टाइप कर देंगे और इसको एंटर कर देंगे। देखिए ये लाइन लग गई 45, तो हम इस तरह से एंगल पे लाइन लगा सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ से मैंने जो ये एंगल दिया है, अब ये 45 डिग्री मैंने दिया है इसको, ये ए और बी से काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल होता है। अब मैं फिर से मैं लाइन कमांड लेता हूँ, मैंने शिफ्ट एट द रेट ऑफ 2000 एंगल का साइन माइनस 45 डिग्री टाइप करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 45 मैंने बस किया एंटर। ये देखिए माइनस 45 में ये नीचे की तरफ लाइन लग गई, ये एंगल माइनस 45 है, ये एंगल प्लस 45 है, मतलब यहाँ से जो हम काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं ये सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज सारे एंगल नेगेटिव होते हैं। इस नोटेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं यूनिट्स की सेटिंग में जा करके। अब देखिए हम बनाते हैं अब एक ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के लिए 500 यूनिट्स का ट्रायंगल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको मैं लाइन कमांड देता हूँ, मैंने एक पॉइंट पिक किया और डायरेक्शन दी, इसको मैंने टाइप किया 500 एंटर। अब मुझको ये लाइन लगानी है दूसरी, 60 डिग्री एंगल है ये, लेकिन जीरो से ये एंगल 120 का है, तो हालांकि ऑर्थो इसके अंदर ऑन है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मैं इसके अंदर डिस्टेंसेस दूंगा ये उसके हिसाब से लाइन लगाएगा। तो यहाँ मैं इसमें टाइप करता हूँ, अब कमांड विंडो में आ गए हम, एट द रेट ऑफ 500 एंगल का साइन 120 एंटर। अब इसमें आप देखिए दो लाइन लगने के बाद यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन आ जाती है क्लोज की। क्लोज का मतलब यह है कि जहाँ से मैंने लाइन शुरू की है ये फर्स्ट पॉइंट तक की एक लाइन लगा देगा और इस ज्योमेट्री को क्लोज कर देगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज का बटन भी दबा सकता हूँ, मैंने इसको क्लोज किया, देखिए ये कंप्लीट हो गई लाइन कमांड। क्लोज होने के बाद लाइन कमांड कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें आप देखिए ये एंगल जो है ये यहाँ से अगर मैं ये लाइन लगाता हूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जैसे मैंने कि मैं इस एंगल को दूँ, ये एंगल यहाँ से देखिए जीरो से 180 प्लस 60 240, तो मुझे ये लाइन लगाने के लिए 240 का एंगल देना होगा। जैसे मैं डिलीट कर दिया मैंने इसको, मैंने फिर लाइन कमांड ली, इसको सेट किया शिफ्ट एट द रेट ऑफ 500 एंगल का साइन 240 एंटर फिर एंटर, दोबारा एंटर करने से लाइन कमांड कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। मैं इसको लाइन को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से ड्रॉ करने के लिए मुझे इसको 60 डिग्री एंगल देना होगा, या 360 में से मैं अगर 60 निकाल देता हूँ, मैं -300 का एंगल देकर भी इस लाइन को बना सकता हूँ। देखिए मैंने इसको डिलीट किया, लाइन कमांड ली एट द रेट ऑफ 500 -300। तो इस तरह से आप बाकी पॉलीगन, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन ये आप बनाइए, इनको आप एंगल्स कैलकुलेट करिए कीजिए इस तरह से, और इसको इनको आप बनाइए, देखिए कैसे बनते हैं ये। अब हम डायनेमिक इनपुट को ऑन कर देते हैं। अब डायनेमिक इनपुट को ऑन करके जब हम लाइन लगाते हैं, देखिए मैंने लाइन कमांड ली 500, मैं इस डायरेक्शन में आया 500 एंटर, उसके बाद मुझे मैंने इसको ऑर्थो ऑफ कर दिया, और ये देखिए यहाँ इसमें फर्स्ट 520.6406 जो लिखा आ रहा है यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 500, और ये इधर ये एंगल लिखा आ रहा है, तो ये एंगल हमें कितना चाहिए था यहाँ से 180 में से 60 120, तो इसको मैं वही साइन एंगल वाला ये 120 में टाइप कर देता हूँ इसके अंदर। उसके बाद फिर ये डायमेंशन मैंने 500 किया, फिर मैंने एंगल का साइन दिया, उसके बाद देखिए 230 270 लिखा आ रहा है एंगल वाले बॉक्स में, ये ब्लू हो गया है, तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ, इसको हमने लिया था 240, देखिए एंटर। तो हम डायनेमिक इनपुट से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जो हमने अभी पहले बनाया है वो मुझे आपको सिस्टम समझाने के लिए ये बनाना ज़रूरी था, ताकि आपको एक बेसिक सिस्टम डायरेक्शन का, डिस्टेंस का क्या होता है और किस तरह से हम उसको देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।